नमस्कार, पॉलिटिकल डब्बा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बज चुकी है और यानी कि एक दिन बाद 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और पहले चरण में बिहार में 4 सीटों पर मतदान होना है। उनमें से प्रमुख रूप से गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई शामिल हैं। इनमें से सबसे जो खास बात है वो औरंगाबाद सीट को लेकर के ये है कि औरंगाबाद को बिहार में मिनी चित्तौड़गढ़ यानी कि बिहार का चित्तौड़गढ़ कह के बुलाया जाता रहा है। उसके पीछे कारण ये रहे हैं कि 1952 से यानी सिक्की जब से पहला चुनाव हो रहा है तब से वहाँ की रहनुमाई, वहाँ से सांसद बनकर चुनने वाले सिर्फ एक जाति के लोग रहे हैं और उसमें से भी मुख्य रूप से दो परिवार के लोग रहे हैं। तो ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई में इस बार जो दिलचस्प चीज ये हुई है कि महागठबंधन ने एक अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो क्या इस बार चित्तौड़गढ़ का किला टूटेगा या रहेगा, ये तो परिणाम चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनाव प्रचार अब थम चुके हैं, कल शाम में ही चुनाव प्रचार इन क्षेत्रों में जो औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा हैं, इसमें चुनाव प्रचार थम चुका है। और औरंगाबाद पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। अभी औरंगाबाद जो नाम पड़ा है वो आप यह कर जाएंगे इसमें पीछे में, तो इसमें औरंगजेब के नाम पर ये औरंगाबाद नाम पड़ा है इस जगह का, इस जिले का। इस लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा में 3 जो हैं औरंगाबाद जिले में पड़ते हैं और 3 गया जिले के अंदर आते हैं। लेकिन लोकसभा के हिसाब से देखें तो वो 6 विधानसभा औरंगाबाद लोकसभा के अंदर आते हैं। उनमें से एक है कुटुंबा जो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, वो औरंगाबाद जिले में है। उसी तरह औरंगाबाद खुद एक विधानसभा है, उसके बाद रफीगंज है। यानी ये तीनों जो हैं वो औरंगाबाद लोकसभा के अंदर हैं और जिला के अंदर भी हैं। उसी तरह गुरुआ, इमामगंज जो कि सुरक्षित है और टिकारी, ये 3 जो हैं गया जिले में पड़ते हैं लेकिन लोकसभा इनका कहने का मतलब है कि वो औरंगाबाद है। तो इन विधानसभाओं का अगर गणित देखें तो 2 कांग्रेस, 2 जदयू, 1 बीजेपी और 1 हम। अगर उम्मीदवारों की स्थिति के हिसाब से देखें तो सुशील कुमार सिंह जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं वो यहाँ 2009 और 2014 में सांसद रह चुके हैं। 2009 में उन्होंने जदयू की टिकट पर चुनाव जीता था और 2014 में उन्होंने जदयू को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे वो, और भाजपा की टिकट पर चुनाव जीता था। उनके सामने निखिल कुमार थे उस समय प्रत्याशी, और आप ये समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस से थे। तो इस बार भी निखिल कुमार को टिकट ना दिए जाने पर, यानी कांग्रेस को वहां टिकट ना दिए जाने पर थोड़ी बहुत स्थितियां बनी। लेकिन जो समीकरण जो लोग बता रहे हैं कि स्थिति इस बार बहुत कड़ी फाइट है, कड़ी फाइट इन द सेंस कि इस बार चित्तौड़गढ़ का किला टूट भी सकता है। मैं आपको इस बार के उम्मीदवारों का नाम बता दूं, इस बार सुशील कुमार सिंह जो है भाजपा से उम्मीदवार हैं, वर्तमान सांसद भी हैं, एमए पास हैं। उसी तरह उपेंद्र प्रसाद, यानी इनका नाम उपेंद्र प्रसाद वर्मा भी है, पूरा दांगी जाति से आते हैं। जो सुशील कुमार सिंह है वो राजपूत जाति से आते हैं, उपेंद्र प्रसाद वर्मा दांगी जाति से आते हैं। दांगी और कोयरी जो जात है वो पहले एक हुआ करता था, नीतीश कुमार की सरकार में दांगी को अति पिछड़ी में डाल दिया गया, तो दांगी जो है अभी राजनीतिक रूप से अति पिछड़ी समूह का हिस्सा है। लेकिन सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो दांगी, कोयरी, कुशवाहा, ये जो जातियां हैं वो एक ही जातियां मानी जाती हैं। ये हम के पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये एमए एलएलबी किए हुए हैं और जदयू में, कल तक ये जदयू में एमएलसी थे और जदयू को छोड़कर इन्होंने हम ज्वाइन किया है। उसी तरह नरेश यादव जो बसपा से उम्मीदवार हैं, सोम प्रकाश सिंह स्वराज पार्टी से उम्मीदवार हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक से उम्मीदवार हैं, संतोष सिन्हा निर्दलीय हैं, धीरेंद्र कुमार सिंह निर्दलीय हैं,
अविनाश कुमार पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से हैं और योगेंद्र राम निर्दलीय हैं, यानी 9 उम्मीदवार, जैसे भागलपुर में भी 9 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, औरंगाबाद में भी 9 उम्मीदवार आमने सामने हैं। लेकिन जो इस बार का गणित जो बन रहा है, अगर पिछड़ी बनाम अगड़ी की लड़ाई हो जाती है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि चूंकि इस बार निखिल कुमार को टिकट नहीं दिया, तो जो कांग्रेसी राजपूत हैं, जो कि सुशील सिंह के परिवार से इतर जो अपनी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो लोग भी इस बार सुशील कुमार सिंह को वोट कर देंगे। और सुशील कुमार सिंह इस लिहाज से मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि औरंगाबाद जो है राजपूत बहुल इलाका है, तो राजपूत बहुल होने के साथ साथ जब परिसीमन हुआ तो परिसीमन में जो गया के 3 विधानसभा क्षेत्र इसमें आए हैं, उसके बाद से कोयरियों की संख्या, जो दांगी जाति की संख्या है, वो भी बढ़ी है इस लोकसभा क्षेत्र में। उसके अलावा यादव अच्छी खासी संख्या में है, मुस्लिम्स की संख्या अच्छी खासी है, तो ऐसे में और कुछ भूमिहारों की भी संख्या ठीक ठाक मानी जाती है। तो कुछ लोगों से मैंने बात की, कुछ भूमिहार समुदाय के लोगों से भी बात की, कुछ दांगी समुदाय के लोगों से बात की, कुछ राजपूत समुदाय के लोगों की बात की, तो सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपने अपने एक उदाहरण थे, उन्होंने जिताने के लिए कहा कि ये जीत रहे हैं और ये जीत सकते हैं। तो खैर वो तो नतीजे बाद में आएंगे, लेकिन ये कहना था कई भूमिहारों का कि सुशील सिंह जो है ऐसे मूंछ को ऐसे करके उन्होंने कहा कि ये इस तरह के लोग हैं, तो उसमें जो है जो गरीब तबका है, जो नीचे के लोग हैं, हो सकता है कि उनको जदयू के साथ होने के बावजूद भी वोट ना करें। तो खैर ये तो समय ही तय करेगा कि कौन किसको वोट करता है और कौन नहीं करता है, ये तो आप रिजल्ट में सामने आएगा। लेकिन इस बार ये जो है संदेश जा रहा है कि हम पार्टी से जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र प्रसाद वर्मा, यानी उपेंद्र प्रसाद, हो सकता है कि वो चुनाव में बहुत मतलब कड़ी टक्कर दें सुशील कुमार सिंह को, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो हो सकता है कि इस बार ध्वस्त भी हो सकता है। यानी आप समझिए कि 1952 में 1950 में डॉक्टर अनुग्रह नारायण जो सिन्हा थे, जिनको बिहार केसरी भी लोग बोलते हैं, वो वहां से इंटरिम रूप से गए थे। उसके बाद जो सत्येंद्र नारायण सिंह उन्हीं के परिवार के हैं, उनके शायद सुपुत्र हैं, तो उनके सुपुत्र 7 बार लोकसभा में गए हैं। वहां से 1989 तक वो मतलब अपराजित रहे। 1989 में पहली बार राम नरेश सिंह, जिसको लूटन सिंह के नाम से भी जानते हैं, जिस लूटन सिंह के पुत्र ये जो अभी सांसद बने हैं वर्तमान में सुशील सिंह, वो लूटन सिंह के ही पुत्र हैं। 1989 में उन्होंने श्यामा सिंह को हराया था सत्येंद्र सिंह की पुत्रवधु। सत्येंद्र सिंह के जो पुत्र हैं वो निखिल कुमार हैं, और सत्येंद्र नारायण सिंह के निखिल कुमार। निखिल कुमार केरल और नागालैंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बिहार के कद्दावर फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। इस फैमिली का बिहार की राजनीति में आप ये समझिए कि एक समय से दबदबा रहा है, ये यानी कि आप ये समझते हैं कि इस तिलिस्म को तोड़ना बड़ा मुश्किल रहा। कोशिश कई मरतबा हुई बाद में, लेकिन वोटों के बिखराव की वजह से वो संभव ना हो पाया। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि वोट जो हैं वो अगड़ी पिछड़ी की स्थिति बन रही है, उसमें भी अगर अल्पसंख्यक मतों का साथ महागठबंधन के पक्ष में होता है तो नतीजों में कुछ दिखेगा। लोग हालांकि जमीन पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीदवार जिस तरह से सशक्त होने चाहिए, जिस तरह से मजबूत होने चाहिए, जिस तरह से धनबल और बाहुबल की जरूरत आज की राजनीति में है, उपेंद्र प्रसाद उस मामले में सुशील कुमार से पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, नतीजा क्या होता है वो तो जनता के मत से ही डिसाइड होना है। खैर ये तो औरंगाबाद की स्थिति है। गया की स्थिति भी बड़ी दिलचस्प है। गया में जीतन राम मांझी हम के जो है उम्मीदवार हैं, उसके साथ महागठबंधन की तरफ से उसके सामने जो है विजय मांझी हैं, वो जेडीयू से उम्मीदवार हैं। तो विजय मांझी के बारे में ये एक दिलचस्प बात है कि वो जो भागवती देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उन्हीं के वो सुपुत्र हैं, जिनको कि लालू प्रसाद यादव ने कभी सांसद बनाकर भेजा था, यानी उनको उम्मीदवार बनाया था और वो सांसद बनी थी। तो लड़ाइयां इस बार दिलचस्प हैं, और किसी के लिए यह कह देना कि वो निश्चित रूप से मैच जीत रहा है, ये मतलब अन्याय होगा उस उम्मीदवार के साथ। कोई भी यहां से जीत सकता है, और बिहार से
मतलब आप ये समझिए कि आश्चर्यजनक परिणाम भी आ सकते हैं। हो सकता है कि कल आप जो उम्मीद कर रहे हैं या मैं जो उम्मीद कर रहा हूं उसके उलट परिणाम आए, और इसमें कहीं किसी को बहुत ज्यादा मतलब अमेज्ड होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सबसे जो खास बात है कि चूंकि ये जो चारों लोकसभा क्षेत्र हैं वो कमोबेश कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित रहे हैं, तो जो जो कि अति संवेदनशील बूथ्स हैं वहां हो सकता है कि 3 बजे तक ही मतदान हो। तो इसलिए जो भी लोग इन लोकसभा क्षेत्र के दर्शक हैं, जो भी लोग इन लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, वो जल्दी से जल्दी सुबह वोट डालने जाइए और अधिक से अधिक संख्या में वोट कीजिए, ताकि लोकतंत्र की ताकत का पता चले, ताकि आपके विचारों का पता चले, ताकि आप बदलाव की तरफ एक कदम बढ़ा सकें। ये जरूरी है। बिना मतदान के आप अपने तकदीर को बदलने की जो उम्मीद है उसको नहीं जगा सकते हैं। तो इसलिए मतदान जरूर 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 करें। 11 अप्रैल को गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद। औरंगाबाद इस बार बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ और मौर्य वंश आप कह सकते हैं आमने सामने हैं। देखिए नतीजा क्या होता है। दिलचस्प जो भी होगा, हम आगे इस पर और बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।